हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। और आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नया कनेक्शन लेने के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे। तो जानकारी पूरी चाहिए तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले हम ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सीधे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकोगे। इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा आपको वेबसाइट का। PMUY योजना पर सामान्य जानकारी, यहाँ पात्रता मापदंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निम्न श्रेणी में से किसी से संबंधित वयस्क महिला यहाँ पर पात्र होगी। उसके बाद में यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसे और इसमें देख सकते हैं आप आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। पते के प्रमाण के लिए क्या लगाया जाएगा, बैंक खाता संख्या वगैरह, ये सब दस्तावेज़ यहाँ पर लगेंगे। चलिए इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ग्राहकों को मिलने वाले लाभ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ग्राहकों को क्या क्या लाभ मिलेगा। और फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, KYC फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्म है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नए उज्ज्वला कनेक्शन 2.0 कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आवेदन करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। उसके बाद में यहाँ पर पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज वगैरह, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बारे में आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन पोर्टल, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जिस भी कंपनी का आपको कनेक्शन चाहिए उसके सामने क्लिक है टू अप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में ये HP का हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेम वाइज डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने का और लोकेशन वाइज, तो हम यहाँ पर लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करेंगे तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो भी आपका पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना KYC एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर हम इसमें डिटेल फिल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, तो आवेदक का हम आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद में डिटेल्स फिल करेंगे, योवर्स डिटेल्स, यहाँ पर फुल नेम दर्ज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, महिला है तो मिसेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट नेम वो दर्ज करेंगे, चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दर्ज करेंगे वरना इस खाली छोड़ देंगे, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आवेदक की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम देख के यहाँ से इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट कास्ट, कास्ट क्या है आपकी, ST SC OBC या अदर जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो राशन कार्ड इशू डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से किस डेट को आपका राशन कार्ड इशू हुआ है वो डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, चलिए यहाँ पर हम राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम चेक डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नो डुप्लीकेट फाउंड इस तरह का आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या रूरल क्षेत्र से आते हैं तो हम यहाँ पर एड्रेस दर्ज कर लेंगे, चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यानी ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी ब्लॉक है आपका वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लॉक। उसके बाद हम पिन कोड दर्ज कर लेंगे, यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करेंगे, चलिए हम विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिन कोड दर्ज करेंगे, यहाँ पर जो भी है पिन कोड आवेदक का, कंप्लीट एड्रेस हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे, चलिए हम आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में आपके पास में कोई ईमेल आईडी वगैरह है तो वो एंटर कर सकते हैं वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपडेट हम दर्ज करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम IFSC कोड कन्फर्म करेंगे यानी दोबारा से हम यहाँ पर IFSC कोड टाइप करेंगे, जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, बैंक की डायरी में दिया हुआ रहता है IFSC कोड। उसके बाद बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं यहाँ पर।
उसके बाद में कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेंगे एक बार, तो वो आप बैंक की डायरी में देख के आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे सही सही। उसके बाद में योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, यानी आपका बैंक खाता से, बैंक खाता में आपका क्या नाम है वो हम यहाँ पर बैंक डायरी में देख के हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में LPG कनेक्शन डिटेल्स में आएंगे और यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो चल हम यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस प्रूफ ID, जो भी आपने एड्रेस प्रूफ ID के लिए सेलेक्ट कराया उसका आप यहाँ पर ID संख्या दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, तो यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए हमने राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, हमने राशन कार्ड चुना है तो राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, तो फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे आवेदक का। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपके राशन कार्ड में दर्ज कितने सदस्य हैं, वयस्क सदस्य, उनकी संख्या यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स ऐड करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर हम रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे, एप्लीकेंट से क्या रिलेशन है वो, और यहाँ पर उसका नाम दर्ज कर लेंगे हम, सभी सदस्यों के नाम दर्ज करेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, चलो हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद में हम बाहर क्लिक करेंगे तो एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। और यहाँ से रीजन ऑफ आधार अनअवेलेबल, यदि आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप आधार संख्या नहीं है तो। उसके बाद एड मेंबर पर क्लिक कर देंगे तो सदस्य ऐड हो जाएगा और हम दूसरा सदस्य सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर सदस्य का नाम दर्ज कर लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर दूसरे सदस्य का नाम दर्ज कर लेते हैं जो भी राशन कार्ड में दर्ज है वो। उसके बाद में आधार नंबर दर्ज करेंगे हम यहाँ पर उस सदस्य का, तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। फिर वह उसके बाद में यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, अगले वाले भाग में यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं इस कॉलम में। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे, उसके बाद में बार क्लिक करेंगे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद में ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे और दूसरा सदस्य ऐड कर लेंगे हम। यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सदस्य का नाम दर्ज कर लेंगे, जो भी नाम राशन कार्ड में दर्ज है वो। चलिए हम यहाँ पर नाम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में आधार नंबर दर्ज करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में हम अगले वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर हो जाने के बाद में हम बार क्लिक करेंगे तो एज कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद नीचे आएंगे और टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का आपको मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिलेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे रेफरेंस नंबर को। उसके बाद में अप्रूवल के लिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका स्टेटस देखना है आपको, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से चेक स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उज्ज्वला और यहाँ पर रेफरेंस नंबर दर्ज कर लेंगे हम, जो कि हाल ही में हमने कॉपी करें। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट कर लेंगे हम और ये कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर सेम वैसा के वैसा, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल कर देंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटस भी दिखाई देने लगेगा क्योंकि हमने हाल ही में ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया है, तो यहाँ पर न्यू दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन स्टेटस में। और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर कोई रिमार्क करेगा, अप्रूव करेगा, तो यहाँ पर आपको उसका स्टेटस मिल जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो और पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। बने रहिए राज इंफोटेक सर्विस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।